लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। टीकमगढ़ जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने शांति समिति की बैठक के दौरान जिले की जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें, किसी प्रकार की लापरवाही न करें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कोरोना वायरस जैसी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा, कोरोना वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें, अर्थात आवश्यक होने पर ही घर से निकले, बिना कारण भीड़ इकट्ठी ना होने दे, किसी से भी हाथ न मिलाए, ना ही गले मिले तथा दो व्यक्ति के बीच दूरी बनाए रखे। साथ ही 10 वर्ष तक के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही रहने दे। परिवार में यदि कोई सर्दी खांसी का मरीज है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई ले, जब तक जरूरी नहीं हो अस्पताल नहीं जाए। साथ ही अस्पताल में मरीज के साथ एक ही व्यक्ति जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और भ्रामक सूचना देने वाले या फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। नोटिफिकेशन होने के कारण ये यहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ एक्ट है, एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, जिसके जो प्रोविजंस हैं, जो मजिस्ट्रियल प्रोविजंस हैं, वो लागू हो चुके हैं। इसका जो मोटा मोटी सार है वो ये है कि हमें खड़े हैं अभी से लेकर आगामी जो हमारा 15 दिवस है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अभी तक पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से स्टेज 2 तक को संभाला है, अब हम स्टेज 3 के बिल्कुल पायदान पे खड़े हैं। और अब जो बात आपको पूरी बात जो समझाई गई, जो वीडियोस दिखाए गए, उसका आशय ये था कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन के स्टेज पे अब हम पहुंच रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो लोग मान लीजिए विदेश यात्रा से आना था वो आ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं और जो जहाँ पे है वीसाज अब नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब जो बाहर से हमारे यहाँ पे लोग आ रहे थे, यात्री आ रहे थे, वो सारी चीजें प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप अब वो है कि कहीं ना कहीं कोई आदमी जो ऑलरेडी कोविड से ग्रसित है उसके बाद उसके संपर्क में आने से, इस चीज को जो फैलने से, पूरी जनसंख्या में फैलने से जो कवायद हमको करनी है, उस स्टेज पे अब हम खड़े हैं जो सबसे क्रूशियल स्टेज है। आप सारे लोग प्रेस मीडिया में पढ़ रहे होंगे, इटली का ले लें, चाइना ले लें, किसी भी देश को आप उठा लें जहाँ ज्यादा इस महामारी का जो फैला है वहां पर स्टेज 3 में ही सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। तो ये स्टेज 3 पे हम खड़े हैं, इसलिए बहुत क्रूशियल है नेक्स्ट 10 से 15 दिन हमें सब कुछ करना चाहिए कि हम इस चीज का रोकथाम कर सकें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे जिले में 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं और जो 60 साल से बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेषकर वो अपने घर पे ही रहें। और इसके साथ ही हम सब भी कई बार इस तरह के माहौल में हम लोग अपनी जिंदगी बिताने लगे हैं कि हम घर पे समय नहीं दे पाते, तो बैठे बिठाए आपको घर में परिवार के साथ समय बिताने का समय मिल रहा है, तो कृपया करके घर में अपने परिवारजनों के साथ अगले 7-10 दिन जो है बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप उनके साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे वो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए ठीक रहेगा। आपके संज्ञान में है कि पिछले जिस दिन बोला जाएगा घर में रहो उस दिन पक्का हमें बाहर जाने की अंदर से उत्पन्न होती रहेगी इच्छा कि हम बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर घूम के आएं। उस दिन जरूर इच्छा होगी कि आज हम दौड़े, आज हमारी फिटनेस का दिन है। तो कृपया करके ऐसी सारी अर्जेस को अपनी कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो जो डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि ब्रेकिंग द चेन कब होगी कि जब हम लोग वो जो लाइन से जो हट रहा था, हटा था व्यक्ति, वो व्यक्ति बनेंगे तभी आगे स्प्रेड नहीं होगा, तो उसका पार्ट बने। जैसा मैडम ने एडवाइजरीज के बारे में बताया, देखिए एडवाइजरीज जारी हो रही है विद एक्सपेक्टेशन कि आप लोग स्वयं उसको फॉलो करिए। वैसे कोई ऐसी हिंट नहीं है या ऐसी कोई संभावना नहीं कि सिचुएशन बिगड़ेगी, अगर हमें इंप्लीमेंट करानी पड़ी तो हम उसको पूरी फोर्स से कराएंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से एम्पावर्ड है इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, और हमें मशीनरी रहेंगे इसके थ्रू सारी एडवाइजरीज इंप्लीमेंट होंगी। तो इस चीज में हमें आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए। एक पॉइंट जो सब लोगों के उसमें है कि लेस देन 10 इयर्स और मोर देन 55 इयर्स, मतलब 10 साल के छोटे बच्चे और 55 इयर्स से ज्यादा लोग, इसके जो लोग हैं वो सस्केप्टेबल हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं कि जो नव युवक है वो घूमते रहे, अपना गाड़ी लेके घूम रहे रहे उधर, चाट पकौड़े की दुकान पे खड़े हुए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि आप एनी केस कैरियर तो बनेंगे, भले ही आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आप बीमार नहीं पड़ रहे, कोई बात नहीं, बट आपके अंदर कैरियर तो बनेंगे, फिर आप उससे अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को अफेक्ट करेंगे। तो प्राय देखने में आ रहा है इस चीज को कुछ, जो जैसा मैडम ने बोला कि अगले 2 वीक्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी चाट पकौड़ी की दुकानों पे जाकर खाने की अर्ज है उसको थोड़ा कम करिए, अवॉइड करिए। अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट ये सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेस्ट्रेंट की बात है, इसको आप लोग स्वयं से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जो हम खुद से करते हैं इम्प्लीमेंट, उसमें कहीं ऐसा अंदर से ग्रज नहीं रहता कि शासन ने जबरदस्ती हमें अंदर बैठा रखा है। आपको एक एजुकेट किया जा रहा है यहाँ पे हर माध्यम से, प्रेस मीडिया के भाई बंधु भी हमारे यहाँ पे हैं जिनके थ्रू मैसेज लार्ज लेवल पे कन्वे किया जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कन्वे करेंगे इन सब लोगों को, और शायद हेल्प जिस दिन बोला जाएगा घर में रहो उस दिन पक्का हमें बाहर जाने की अंदर से उत्पन्न होती रहेगी इच्छा कि हम बाहर जाए बाहर जाए बाहर घूम के आए। उस दिन जरूर इच्छा होगी कि आज हम दौड़े, आज हमारी फिटनेस का दिन है। तो कृपया करके ऐसी सारी अर्जेस को अपने कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो जो डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि ब्रेकिंग द चेन कब होगी कि जब हम लोग वो जो लाइन से जो हट रहा था हटा था व्यक्ति वो व्यक्ति बनेंगे, तभी आगे स्प्रेड नहीं होगा, तो उसका पार्ट बने। जैसा मैडम ने एडवाइजरीज के बारे में बताया, देखिए एडवाइजरीज जारी हो रही हैं विद एक्सपेक्टेशन कि आप लोग स्वयं उसको फॉलो करिए। वैसे कोई ऐसी हिंट नहीं है या ऐसी कोई संभावना नहीं कि सिचुएशन बिगड़ेगी, अगर हमें इम्प्लीमेंट करानी पड़ी तो हम उसको पूरी फोर्स से कराएंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से एम्पावर्ड है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और हमें मशीनरी रहेंगी इसके थ्रू सारी एडवाइजरीज इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस चीज़ में हमें आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए। एक पॉइंट जो सब लोगों के उसमें है कि लेस देन 10 इयर्स और मोर देन 55 इयर्स, मतलब 10 साल से छोटे बच्चे और 55 इयर्स से ज़्यादा लोग, इसके जो लोग हैं वो सस्केप्टेबल हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो नव युवक हैं वो घूमते रहे, अपना गाड़ी लेके घूम रहे रहे उधर, चाट पकौड़े की दुकान पर खड़े हुए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि आप एनी केस कैरियर तो बनेंगे, भले ही आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आप बीमार नहीं पड़ रहे, कोई बात नहीं, बट आपके अंदर कैरियर तो बनेंगे, फिर आप उससे अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को अफेक्ट करेंगे। तो प्राय देखने में आ रहा है इस चीज को कुछ, जो जैसा मैडम ने बोला कि अगले 2 वीक्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी चाट पकौड़ी की दुकानों पे जाकर खाने की अर्ज है उसको थोड़ा कम करिए, अवॉइड करिए। अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट ये सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेस्ट्रेंट की बात है, इसको आप लोग स्वयं से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज हम खुद से करते हैं इम्प्लीमेंट, उसमें कहीं ऐसा अंदर से ग्रज नहीं रहता कि शासन ने जबरदस्ती हमें अंदर बैठा रखा है। आपको एक एजुकेट किया जा रहा है यहाँ पे हर माध्यम से, प्रेस मीडिया के भाई बंधु भी हमारे यहाँ पे हैं जिनके थ्रू मैसेज लार्ज लेवल पे कन्वे किया जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कन्वे करेंगे इन सब लोगों को, और शायद हेल्प सदा को जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि कोरोना वायरस या COVID-19 जो इन्फेक्शस डिजीज के रूप में फैल रहा है, उसका स्टेज 3 पे हम सब लोग सारे लोग जो हैं खड़े हैं, और अभी बहुत ज़रूरी है कि जितना भी हमारा मैन टू मैन ट्रांसमिशन है या कॉन्टैक्ट से जो ये बढ़ता है, उसको हमको सही टाइम पे उसका एक मैं कहूँगी युद्ध के रूप में हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसी को लेकर आज हम लोगों ने एक बैठक यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम में किया था, जिसमें हमने ज़िले के जो अन्य विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको बुलाया था, उनके बीच में कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, ताकि मन में बहुत तरह की जो हमारी बातें होती हैं उसको एक आउटलेट मिल सके, उसको एक सोल्यूशन मिल सके। तो हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसके संबंध में प्रेजेंटेशन दिया, बताई सारी बातें। साथ में जो जिला विशेष में हम लोग समय समय पर विभिन्न तरह के जो एडवाइजरीज जो हमारे आदेश हम प्रसारित कर रहे हैं, उसमें क्यों वो आदेश हमें प्रसारित करने पड़ रहे हैं और उससे हम क्या लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, सारे विषयों को लेकर आज ये बैठक की गई थी। और ये आश्वासन के साथ हम लोगों ने इस मीटिंग को ख़त्म किया है कि जो एडवाइजरीज हम टाइम टाइम पे जारी कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।